नमस्कार और न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबर में आप सभी का स्वागत है सिंधु जल संधि से जुड़े विवादों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मचे बीचान के बीच हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना दिया है जिसके बाद भारत ने कहा है कि कश्मीर में किशन गंगा और रतले पन बिजली परियोजनाओं को लेकर स्थायी मध्यस्थता अदालत में अवैध कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता दरअसल अदालत ने फैसला दिया है कि उसके पास पन बिजली के मामले पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच विवाद पर विचार करने का अधिकार है स्थायी मध्यस्थता अदालत ने एक बयान में कहा है कि विश्व बैंक के साथ पत्राचार के जरिए भारत द्वारा अदालत के अधिकार क्षेत्र पर की गई आपत्तियों पर उसने विचार किया है हेग स्थित अदालत ने एक बयान में कहा है कि अदालत ने भारत की हर आपत्ति को खारिज किया है और तय किया है कि अदालत के पास पाकिस्तान की मध्यस्थता के आग्रह में उल्लिखित विवाद पर विचार करने और उसे तय करने का अधिकार है बयान में यह भी कहा गया है कि यह फैसला सर्वसम्मति से किया गया है जो पक्षों के लिए बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है उधर भारत का कहना है कि यह हमें मंजूर नहीं है भारत का कहना रहा है कि वह स्थायी मध्यस्थता अदालत में पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा क्योंकि सिंधु जल संधि की रूपरेखा के तहत विवाद का पहले से ही एक निष्पक्ष विशेषज्ञ परीक्षण कर रहे हैं निष्पक्ष विशेषज्ञ की आखिरी बैठक 27 और 28 फरवरी को हेग में हुई थी तथा अगली बैठक सितंबर में होनी है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत को अवैध और समानांतर कार्रवाइयों को मानने या उनमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो संधि में उल्लिखित नहीं है बाग् ने कहा कि भारत की लगातार और सैद्धांतिक स्थिति यह रही है कि तथा कथित मध्यस्थता अदालत का गठन सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि यह संधि एक जैसे मुद्दे के लिए समानांतर कार्यवाही की इजाजत नहीं देती है बाग्सी ने कहा है कि भारत सरकार संधि के अनुच्छेद 123 तीन के तहत सिंधु जल संधि में संशोधन के संबंध में पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत कर रही है उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक निष्पक्ष विशेषज्ञ किशन गंगा और रतले परियोजनाओं से संबंधित विवाद को देख रहे हैं तथा भारत संधि संगत निष्पक्ष विशेषज्ञ की कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है उधर अदालत के फैसले से उत्साहित पाकिस्तान ने उम्मीद जताई है कि भारत सिंधु जल संधि को सद्भावना से लागू करेगा इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा है कि स्थायी मध्यस्थता अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है और कहा है कि वह अब विवाद में मुद्दों को हल करने के लिए आगे बढ़ेगा विदेश कार्यालय ने कहा है कि सिंधु जल संधि पानी बंटवारे पर पाकिस्तान और भारत के बीच एक मूलभूत समझौता है और इस्लामाबाद उसके विवाद निपटान तंत्र सहित संधि के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पाकिस्तान के बयान में कहा गया है हमें उम्मीद है कि भारत भी इस संधि को सद्भावना से लागू करेगा हम आपको याद दिला दे दें कि भारत ने संधि के विवाद निवारण तंत्र का पालन करने से पाकिस्तान के इनकार के मद्देनज़र इस्लामाबाद को इस साल जनवरी में नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और उसमें संशोधन की मांग की थी यह संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सीमापार नदियों के संबंध में दोनों देशों के बीच हुई थी सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए हैं हम आपको यह भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की वार्ता के बाद 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे इस संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया भारत ने पाकिस्तान को जो नोटिस भेजा था वह किशन गंगा और रातले पन बिजली परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर मतभेद के समाधान को लेकर पड़ोसी देश के अपने रुख पर अड़े रहने के मद्देनजर भेजा गया था यह नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद बारह तीन के प्रावधानों के तहत भेजा गया था हम आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय किशन गंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का आग्रह किया था वर्ष 2016 में पाकिस्तान इस आग्रह से एक तरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का प्रस्ताव किया भारत ने इस मामले को लेकर तटस्थ विशेषज्ञों को भेजने का अलग से आग्रह किया था भारत का मानना है कि एक ही प्रश्न पर दो प्रक्रियाएं साथ शुरू करने और इसके असंगत या विरोधाभासी परिणाम आने की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करेगी जिससे सिंधु जल संधि खतरे में पड़ सकती है यही नहीं विश्व बैंक ने भी 2016 में भारत की बात से सहमति जताते हुए दो समानांतर प्रक्रियाएं शुरू करने को रोकने का निर्णय किया था साथ ही भारत और पाकिस्तान से परस्पर सुसंगत रास्ता तलाशने का आग्रह किया था अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेलाइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके